बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रीडर्स विथ एमली। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स जो हैं वो कितने हैं लैंग्वेजेस में और वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं हम आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पोर्शन तो जनरल नॉलेज का है तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के हैं 26, उसके बाद उर्दू 37, उसके बाद सिंधी, तो ये 52 हैं। उसके बाद आता है अरबिक, तो अरबिक के 28। उसके बाद आता है हिंदी, तो जो हिंदी के हैं वो हैं 46। उसके बाद संस्कृत, संस्कृत के जो हैं वो 50 हैं। उसके बाद गुजराती, तो गुजराती के जो हैं वो हैं 47। उसके बाद बंगाली, तो बंगाली के जो हैं वो है 28। उसके बाद फ्रेंच, तो फ्रेंच के जो हैं 26 हैं। उसके बाद ग्रीक, तो ग्रीक के जो हैं वो हैं 24। उसके बाद स्पेनिश, स्पेनिश के जो हैं वो 27 हैं। उसके बाद पश्तो, तो पश्तो के जो हैं वो 28 हैं। और उसके बाद नेपाली, तो नेपाली के जो हैं 64 हैं। उसके बाद जापानीज़, जापानीज़ के 46 हैं। तो एक बात नोट करें, जो चाइनीज़ है ना, इनके ना अल्फ़ाबेट नहीं होते, इनके होते हैं जो हैं वो करेक्टर होते हैं। इनके करेक्टर जो हैं वो मोर देन 7000s। इसके मोर देन जो हैं वो 7000s हैं, वो करेक्टर हैं। क्या 7000 करेक्टर? तो आज का जो लेक्चर है तो उसमें हमने पढ़े लैंग्वेजेस और उसके लेटर्स। तो ठीक है, तो इंग्लिश के 26, उर्दू के 37, सिंधी 52, अरबिक 28, हिंदी 46, संस्कृत 50, गुजराती 47, बंगाली 28, फ्रेंच 26, ग्रीक 24, स्पेनिश 27, उसके बाद पश्तो 28, नेपाली 64 और जापानीज 46। तो जो चाइनीज़ हैं, चाइना वालों के जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट नहीं होते, वो मोर देन 7000 करेक्टर होते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि ये चीज़ें ना पेपर्स में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।